हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो फ़ोन के बारे में। दोस्तों, अचानक ही यदि आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे आपका टच हैंग हो जाए, आपका LCD पे कुछ भी दिखाई ना दे, अचानक आपका माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर दे, या अचानक आपका लोगो पे हैंग हो जाए, तो आप क्या करोगे दोस्तों? तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मान लीजिए ऐसा कोई प्रॉब्लम अचानक आपके मोबाइल में हैंग हो जाता है, आपका मोबाइल हैंगिंग करने लगता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक बार अपने फ़ोन को रिबूट कीजिए। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, केवल एक सिंपल सा ट्रिक करना है, पावर बटन को लगातार प्रेस करके आपको रखना है। दोस्तों, मान लीजिए आपका टच काम नहीं कर रहा है, तो आप जो है रिबूट करना चाहते हैं, तो टच पे दबा के जो है रिबूट करना चाहेंगे तो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा फ़ोन जो है चलते चलते हमारे फ़ोन का अचानक जो है टच काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मोबाइल पे फ़ोन आता है और डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कभी कभी हम अपना फ़ोन चालू करते हैं तो हमारा लोगो पे हैंग हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है दोस्तों। तो ऐसा आपके टेक्नो फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्नो का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, एक बार इस ट्रिक को इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए दोस्तों। एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। आपको रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए क्या करना है, केवल आपको पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखना है। उसके बाद फ़ोन आपका ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा और जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम आपके मोबाइल में रहेगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए, थोड़ा टाइम और लगेगा, अब हमारा फ़ोन जो है स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन का टच काम करता है या नहीं काम करता है। पहले नहीं करता था, तो अब हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा जो है टच काम करने लगा या नहीं काम करने लगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो है टच काम करने लगा। और अगर जो आपका डिस्प्ले और टच और माइक स्पीकर रिंगर सही रहेगा और अचानक काम करना बंद कर देगा, तो आप यदि आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट कर लोगे तो आपका जो है प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करना ना भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।